फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ क्लेवी पिक्चोरल फीशिया। ठीक है, तो देखो हम लोग जैसा कि आपने इसे पिछला वाला वीडियो मेरा था मसल्स कनेक्टिंग द पेक्टोरल रीजन में से ही मसल्स जो पेक्टोरल रीजन को अपर लिम्स कनेक्ट करते थे वो वाला वीडियो था। अब ये क्लेवी पेक्टोरल फीशिया है, इसके बाद हम लोग मेमोरी ग्लैंड वाला रीजन टच करेंगे। तो देखो क्लेवी पेक्टोरल फीशिया जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्लेवी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैंने जो वीडियो बनाया है, मैंने ये वीडियो मतलब यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि मैं एक किस तरह का वीडियो लोग बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता, बट इतना डीप इन्फॉर्मेशन किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। बट देख लो अच्छे से करना, मैं किसी को ख़राब नहीं बोलता, सब अच्छे हैं, उनसे देख के मैंने भी कुछ सीखा है। ठीक है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, आप लोग पसंद आया तो पसंद करना बना, अगर नहीं पसंद आया तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा देखो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इज अ स्ट्रॉन्ग, हमेशा इंट्रो में बताता हूँ हर चीज़, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इज अ स्ट्रॉन्ग फेशियल सीट डीप टू क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक्टोरिस मेजर। देखो मैंने अभी पेक्टोरिस मेजर मसल बता दिया है अपने पिछले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो वीडियो पहले जाकर देखो, क्योंकि चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ो। तो जब आपने पेक्टोरिस मेजर मसल को देखा होगा अगर उस वीडियो को, तो क्लेविकुलर हेड होती है जो कि क्लेविकल के एंटीरियर सर मिडिल टू थर्ड वाला जो एरिया उसके एंटीरियर सर्फेस पर जाकर लगता है क्लेविकुलर हेड। ठीक है, वहाँ से वो ऑरिजिन ले रहा है, तो जैसे ही उसको हटाते हैं ना हम लोग, उस एरिया को जैसे ही हटाते हैं तो आपका उसके नीचे उस मतलब ओरिजिन वाले जहाँ वहाँ से अगर पेक्टोरिस मेजर मसल को हटा दिया हमने क्लेविकल से, तो उसके नीचे आपको एक फेशिया देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। उसका काम क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ से हटा दोगे उसको, वो क्लेविकुलर हेड को हटाओगे, तो वो अब क्लेविकल को हटा दिया आपने, तो आपको पता है पेक्टोरिस मेजर मसल के नीचे होता है पेक्टोरिस माइनर मसल। तो ये क्या करता है ना, इट फिल्स द गैप्स बिटवीन क्लेविकल एंड पेक्टोरिस माइनर। पेक्टोरिस माइनर और जो आपका क्लेविकल है, नीचे में क्लेक्टोरिस माइनर हो गया, देखो तो ईच फील आना चाहिए पहले होता क्या, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने। देखो आपने ये क्लेविकल है आपका, यहाँ से आपका मान लो ये मसल था पेक्टोरिस मेजर मसल, इस मसल को जैसे ही आपने इसको हटा दिया, तो मैं एक नया फिगर बनाता हूँ, ये आपने हटा दिया, इस मसल की यहाँ पे प्रेजेंट था आपका पेक्टोरिस माइनर मसल, ये हटाया तो ये मसल तो पढ़ाई हुआ है ना, तो ये फेशिया होती है, दैट इज द फेशिया, ये ब्लू रंग का मैंने जो एरो बना दिया है, क्लेविकल जो पेक्टोरिस माइनर मसल है, दिस इज द पेक्टोरिस माइनर मसल, दिस इज द मेजर मसल, मेजर मसल का क्या हटा दिया, तो बचा गया पेक्टोरिस माइनर मसल और क्लेविकल के बीच में जो गैप होता है ना, दैट्स दिस इज गैप बाय द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब देखो इसका एक्सटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप वर्टिकली देखते हो इसका एक्सटेंट, तो सबसे वर्टिकली का मतलब क्या हुआ कि आप इसको जब ऊपर से देख रहे हो तो आगे की तरफ से देख रहे हो, सामने की साइड से आप खड़े हो, सामने क्लेवी पेक्टोरल फेशिया आपके सामने, तो देखोगे तो क्या देखोगे कि ये क्लेविकल मतलब देखो ये ऊपर की ओर क्लेविकल से अटैच है, नीचे की ओर एक्सिलरी फेशिया से अटैच है। अब फिगर देखो आपको क्लियर हो जाएगा, देखो दिस इज द क्लेविकल, ठीक है देख रहे हो ये क्लेविकल है, देख रहे हो ना, दिस इज योर क्लेविकल, ओके नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज योर क्लेविकल, दिस इज योर क्लेविकल, देख रहे हो ये क्लेविकल है तुम्हारा, दिस इज द क्लेविकल बोन, नथिंग बट दिस इज क्लेविकल बोन। ठीक है, तो ये क्लेविकल बोन से ऊपर की ओर अटैच है और नीचे की ओर, आई शो यू, नीचे की ओर देखो एक्सिलरी फेशिया से अटैच है। तो जब हमने सामने से खड़े होके, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, सामने हम खड़े हैं, देख रहे हैं, तो हमने देखा ऊपर की ओर क्लेविकल अटैच है, नीचे की ओर एक्सिलरी फेशिया से अटैच है। देन आफ्टर देखते हैं कि अपर पार्ट जो होता है ना, ये इसका स्प्लिट होता है दो लमाइना में, जिससे वो सबक्लेवियस मसल को अपने अंदर इनक्लोज कर लेता है। ठीक है, देख रहे हो दिस इज द टू लमाइना, ये देख रहे हो अपर पार्ट दो लमाइना में स्प्लिट किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एंड देन आफ्टर क्या हुआ, ये अपर पार्ट जिसका दो पार्ट में डिवाइड किया, एंड देन आफ्टर इसने कौन सी मसल को, देख रहे हो सबक्लेवियस मसल है। ठीक है, तो तुमने जो ये फिगर देख रखा है ना, ये इसको तुम कह सकते हो कोरोनल वे में काटा गया है। ठीक, कोरोनल वे में काटा गया, तो तुम्हारा इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, कोरोनल वे में काट दिया गया है, कोरोनल वे में नहीं काटा गया, सजाइटल वे में काटा है। तो तुम क्या है ना, पेक्टोरल फेशिया तुम्हारा, देखो पेक्टोरिस में सब तुम इसको ऐसे देखो, ये रखा हुआ है, मान लो कि ये बॉक्स है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, समझने को, ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को सामने से न रख के इसको ट्रांसफर ऐसे रखा गया है, ये बॉक्स को सीधा रखना चाहिए था ऐसे, बट इसको रखा गया है ऐसे, आपको धारा है सामने होता है पेक्टोरिस मेजर मसल, बट यहाँ पे बॉक्स को इस तरह रखने से पेक्टोरिस मेजर मसल आपका दिख रहा है आपको लेटरली, बट ये चीज़ सीधा है, बट इसको सीधा दिखा नहीं सकते क्योंकि 3D डायग्राम तो नहीं बन सकता ना, बात को मेरे समझना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछना ये चीज़। ठीक है,
कोई दिक्कत हो जरूर पूछना। तो ये देखो अपर पार्ट इसका स्प्लिट करके सब क्लेविस मसल को अपने अंदर इंक्लोज करता है। देन आफ्टर पोस्टीरियर लमाइना कंटिन्यूस विद द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया एंड गेट फ्यूज विद द एक्सिलरी सीथ। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, ये जो स्प्लिट हुआ था अपर पार्ट, ये दो टाइप का लमाइना हुआ, दैट इज द एंटीरियर लमाइना एंड पोस्टीरियर लमाइना। एंड द पोस्टीरियर लमाइना, जो इसका पोस्टीरियर वाला लमाइना था, सॉरी जो इसका पोस्टीरियर लमाइना था, वो किससे कंटिन्यूस हो गया, देख रहे हो ये कंटिन्यूस हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। देखो मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं बताया, रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैं भी नया हूँ थोड़ा इसको चलाने में, इसलिए मुझे थोड़ा कभी प्रॉब्लम आता है। अब देखो जो इसका पोस्टीरियर लमाइना था, दैट दो पार्ट में स्प्लिट करके इसने सबक्लेविस मसल को इनक्लोज किया, तो इसका एक लमाइना होगा पोस्टीरियर, एक होगा एंटीरियर। तो ये पोस्टीरियर लमाइना क्या हुआ, दैट इज द कंटिन्यूस विद द डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सिलरी सीथ होगा, एक्सिलरी सीथ के साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सिलरी सीथ होगा उसे फ्यूज कर लेगा, ठीक है। और जो इसका एंटीरियर लमाइना होगा वो वापस से जाएगा नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आके फिर से ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करके क्या करेगा एक मसल को और इनक्लोज करेगा, पेक्टोरिस माइनर को, ठीक है। तो आपको मैंने बताया, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मसल को क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और यही है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, देख रहे हो ना, दिस इज योर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है बड़े प्यार से, बहुत प्यार से समझा रहे हैं आपको, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। डीप सर्वाइकल फेशिया देखो, पोस्टीरियर लमाइना कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया एंड गेट फ्यूज्ड विद द एक्सिलरी शीथ। एंटीरियर लमाइना गेट अटैच टू द क्लेविकल, इट्स लोअर पार्ट स्प्लिट्स टू इनक्लोज द, अब देखो एंटीरियर लमाइना का लोअर पार्ट फिर से स्प्लिट करके पेक्टोरिस माइनर मसल को अपने अंदर घेर लिया। बिलो इट एक्सटेंड डाउन एज अ सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ एक्सिला अटैच टू द डोम ऑफ एक्सिलरी फेशिया, इट कीप द डोम ऑफ द पुल टू द मेनिस। देखो अब देखो आपने क्या हुआ, यहाँ से जो जब पेक्टोरल फेशिया का बताया कि अपर वाला पार्ट जो हो गया वो चला गया आपका डीप सर्वाइकल फेशिया के साथ एक्सिलरी सीथ में, लोअर पार्ट सब पेक्टोरिस माइनर को इन्क्लोज किया, उसके बाद जो ये एरिया होता है ना, दैट इज नोन एज दी सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, दैट इज नोन एज दी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द एक्सिला, ठीक है, इट इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, ठीक है, यही सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला है। और यही सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है ना, वो एक्सिला के जो ये डोम शेप का तुम्हारा ये है ना एक्सिलरी फेशिया, ये इससे अटैच होता है, और इसको ये एक शेप मेंटेन करने में मदद करता है। देखो ऊपर से इसको पकड़ के खींचे हुआ है, ऊपर से पकड़ के खींचने का मतलब क्या है, इसको ऐसे खींच के रखे हुआ है, खींच के रखने से क्या होता है कि जो एक्सिला जो हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ये कनकेविटी को मेंटेन करता है, एक्सिला की कनकेविटी को मेंटेन करता है, दैट इज दी डोम शेप का जो तुम्हारा एक्सिलरी फेशिया है, डोम शेप का ये तुम्हारा एक्सिलरी फेशिया है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज दी सस्पेंसरी लिगामेंट, ये एक्सिला, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, ठीक है। तो देखो मैंने जो आपको क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का पूरा डिटेल बताया ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। देखो इसके बाद हमने ये वर्टिकली भी सिर्फ पढ़ा है, अब मीडियल लेटरल भी आपको देखना है। तो देखो मीडियल लेटरल इस डायग्राम में नहीं दिख सकता है, तो इसके लिए दूसरा डायग्राम है। मीडियली इट इज अटैच विद द फर्स्ट रिब एंड कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ओके देखो मीडियली इट इज अटैच टू द फर्स्ट रिब, देखो दैट इज द मीडियल पोजिशन, एंड मीडियली इट इज अटैच टू द फर्स्ट रिब, दिस इज द फर्स्ट रिब एंड दिस इज द कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो आपको चीज ध्यान रखना होगा, बिकॉज इट इज मीडियली इट इज अटैच टू फर्स्ट रिब एंड कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। एग्जाम में है तो कोई एक फिगर बनाना चाहिए, अभी मैं जो फिगर बताऊंगा वो बनाना, अभी रुक जाओ, फिगर नहीं दिखाया असली फिगर। एंड लेटरली इट इज अटैच विद द कोरोकॉइड प्रोसेस एंड ब्लेंड्स विद द कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। देखो लेटरली क्या है ना, लेटरली इट इज अटैच विद द कोरोकॉइड प्रोसेस, देखो मीडियली फर्स्ट रिब से अटैच हो रहा था और कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, लेटरली किससे होगा कोरोकॉइड प्रोसेस से, एंड कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट से ब्लेंड कर जाएगा। ब्लेंड मतलब क्या होगा, जो इसका जो ये फेशिया है, ये फेशिया उससे मिक्स कर जाएगा, उस लिगामेंट से मिक्स कर जाएगा। तो ये आपने पूरा अटैचमेंट देख लिया ऊपर से नीचे एक्सटेंड। अब देखो पता है इसके सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, मतलब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर जो इनको क्रॉस करके पास कर रहे हैं। तो आपको ये चारों स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम याद होना चाहिए, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व, हमने बार बार चर्चा किया लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो देखो लेटरल पेक्टोरल नर्व, देखो मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो मसल जो नर्व जिस मसल को पियर्स करेगी ना वो उसी को सप्लाई करती है। तो ये इसने लेटरल पेक्टोरल नर्व देखे पेक्टोरिस मेजर को पियर्स कर रही है, तो ये सप्लाई करेगी पेक्टोरिस मेजर को। लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो हमारा लिम्फेटिक जो मेमोरी ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लिम्फेटिक्स पढ़ेंगे, कुछ लिम्फेटिक्स पास करते हैं। तो ये सारा चीज आपको, ये चार नाम आपको बस याद रखने होंगे, दैट द मेन नेम्स। और आपको जब क्लेवी पेक्टोरल का फेशिया एग्जाम में आए तो आप ये फिगर बनाना और इनके नाम्स लिखना, ठीक है। और जो मैंने तरीका बताया अगर आपने उस तरह से डिफाइन कर दिया क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, तो आप पूरे में पूरे मार्क्स लोगे। तो यहीं पर आपका क्लेवी पेक्टोरल फेशिया खत्म होता है। तो ठीक है एक बार मैं इसका बस ओवरव्यू देता हूँ। स्प्लिट, देखो सबसे पहले क्या हुआ,
ये आपका क्लेविकल से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अपर पार्ट में क्लेविकल, नीचे एक्सिलरी फेशिया तक। उसके बाद क्या होता है, इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट जो होता है इस क्लेविकल, सॉरी पहले ये तो ये जो फेशिया यहाँ पे स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने के बाद सब क्लेवियस मसल को इनक्लोज करेगा, देन आफ्टर वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो किसको, नीचे आने के बाद क्या करेगा, जब यहाँ पे दो बार स्प्लिट हो चुका था तो पीछे की ओर जाएगा, एंड देन आफ्टर इट विल फ्यूजेस विद द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया एंड एक्सिलरी शीथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक्सिलरी शीथ के साथ फ्यूज करने के बाद जो लोअर वाला पार्ट होगा, जो लोअर वाला पार्ट नीचे आएगा और नीचे फिर से स्प्लिट करेगा फेशिया का, एंड देन इनक्लोज द पेक्टोरिस माइनर मसल, पेक्टोरिस माइनर मसल को इनक्लोज करेगा, देन आफ्टर वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या करेगा, दैट जब क्लेविपेक्टोरल फेशिया पेक्टोरिस माइनर को इनक्लोज करने के बाद जो नीचे आता है, दैट इज नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। वो क्या करता है, जो डोम शेप का एक्सिलरी फेशिया होता है उसको शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, कनकेविटी मेंटेन हेल्प करता है, एक्सिला के कनकेविटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स चार नाम याद कर लेना, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लिम्फेटिक्स एंड द लास्ट वन इज सिफेलिक वेन। तो यहाँ से याद कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि ब्रेस्ट पे आएगा। थैंक यू।